राम भक्तों पर गोली चलाई थी, वह राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा हों, चाहे उनके और अन्य कोई नेता हो, वह सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा था भगवान राम तो हुए नहीं, वो तो काल्पनिक है। देश की सर्वोच्च अदालत फैसला आया, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो पाए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन दो दिन से इन्होंने अफवाह फैलाया, झूठ फैलाया और इस प्रकार का दुष्प्रचार करने की कोशिश किया जैसे श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर निर्माण में कोई घोटाला हो गया। मेरे सभी भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा और हम सबको वह शुभ अवसर देखने को मिलेगा जब हम वहाँ सब दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन इन विरोधियों को मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल उठाया, अरे श्री अखिलेश यादव जी, पहले अपने पिताजी से जाके बात करो, उनसे पूछो कि राम भक्तों पर, निहत्ते राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई। सपने देख रहे हैं 2022 के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उनको लगता है कि 2022 में